हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल लक्ष्मण और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को त्रिफला के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। त्रिफला काफ़ी फॉर्म्स में आता है, आप इसे घर पे भी बना सकते हो, मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो, किसी आयुर्वेदिक स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। बेसिकली त्रिफला में तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसे हम आंवला, हरड़, बहेड़ इन तीनों को बोलते हैं। आप इसे घर में अगर बनाना चाहते हो तो आप 1:3 के रेशो में लीजिएगा, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है 1:3 के रेशो में। और जूस के फॉर्म में मिल जाएगा आपको मार्केट से, टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगा। और त्रिफला के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिफला सबसे पहले काम आता है आपका एसिडिटी में। जिस भी किसी पेशेंट को, पर्सन को, आपके घर में किसी को अगर एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती क्या है, एसिडिटी में आपको खट्टी डकार आती है, गले में तेजाब सा लगता है, सीने में जलन होती है, तो उस फॉर्म में आप त्रिफला का सेवन कर सकते हो। आप जूस फॉर्म में ले लीजिए, चाहे लिक्विड चूर्ण फॉर्म में ले लीजिए, टैबलेट फॉर्म में ले लीजिए, त्रिफला यूज़ कीजिए आप, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है त्रिफला जूस का। आपको करना क्या है, 20 ml, यानी कैप से मेज़र कर लीजिएगा आप, 20 ml त्रिफला लेना है आपको लिक्विड, और आधा गिलास हल्का सा गुनगुना कोसा पानी लेना है आपको। ये काम आपको दिन में दो बार करना है, एक तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले त्रिफला जूस लेना है और रात को सोते वक्त बेड टाइम से पहले, तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी इससे। किसी को कब्ज़ रहती हो, पेट साफ नहीं होता, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है त्रिफला जूस। और जैसे आपने काफ़ी लोगों में देखा होगा कि उनको भूख बहुत कम लगती है, वो पूरे पूरे दिन दो ही रोटी खाते हैं तब भी उनको भूख नहीं लगती, उसके बाद भी उनको वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तो त्रिफला जूस उसमें भी काफ़ी काम करता है। किसी की आईसाइड वीक हो, जैसे काफ़ी लोगों की आईसाइड वीक होती है, तो त्रिफला जूस उसमें भी काम आता है। आप त्रिफला का चूर्ण रात में भिगो के रख दीजिए और मॉर्निंग में आप उसके पानी से अपनी आईज को धो सकते हो, वॉश कर सकते हो, तो उसमें आपकी आईसाइड बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। और फिर हम बात करते हैं गैस में, काफ़ी लोगों को गैस बनती है, थोड़ा सा कुछ खाया उन्होंने और उनका पेट आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, वोट भर जाता है और वो परेशान हो जाते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है, पूरी बॉडी में कभी भी दर्द हो जाता है, गैस के कारण काफ़ी दर्द हो जाते हैं उनको, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है त्रिफला जूस। और त्रिफला जूस कोई भी ले सकता है, किसी भी कैटेगरी का, एज का कोई भी ले सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक कोई भी आप त्रिफला का जूस यूज़ कर सकते हो। और त्रिफला का जूस कैंसर में भी काम आता है, किसी पेशेंट को कैंसर है तो आप उसमें भी त्रिफला जूस दे सकते हैं। और अब बात करते हैं क्या त्रिफला जूस डेली लेना चाहिए, तो हाँ त्रिफला जूस आप डेली ले सकते हो, ठीक है, आप डेली यूज़ कर सकते हो, चूर्ण फॉर्म में ले लीजिए आप, टैबलेट फॉर्म में ले लीजिए, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो आप, लिक्विड में ले सकते हो, घर में बना सकते हो आप त्रिफला का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं त्रिफला जूस को, सपोज़ कीजिए कि आपने 20 ml की इसकी डोज़ है और आपने ले ली 50-50, 60-60 ml ये ले लिया आपने, तो इसका सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि आपका स्टोमक थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा, मीन्स आपको मोशन 2-3 बार जाना पड़ जाएगा, हो सकता है आपको 4-5 बार जाना पड़े, तो आपको सिर्फ इसके जितनी मेजर डोज होती है सिर्फ उसी में लेना चाहिए। ये होता आयुर्वेदिक है, लेकिन आयुर्वेद के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप उनके डोज के अकॉर्डिंग ना चले तो, ठीक है। तो ये त्रिफला के कुछ फ़ायदे होते हैं, बोल के मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, किसी को पेट नहीं साफ़ होता है, 4-5 दिन हो जाते हैं, क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है काफ़ी लोगों को, ये उसमें भी काफ़ी काम आता है, तो त्रिफला जूस कोई भी ले सकता है। और त्रिफला आयुर्वेदिक है और काफ़ी सालों से पुराना है, तो सभी लोग जानते भी हैं त्रिफला। त्रिफला का जूस टैबलेट त्रिफला आपको वेट लूज़ करने में भी काफ़ी काम आता है, और ये नेचुरल लैक्सेटिव होता है, और ये आपकी दांतों की प्रॉब्लम में भी काफ़ी काम आता है, किसी को कैविटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो तो ये उसमें भी काफ़ी अच्छा काम आता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए कोई भी ले सकता है, तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। चूर्ण लेना आपको तो 1 चम्मच चूर्ण रात को बेड टाइम से पहले आपको फाक लेना, ऊपर से पानी पी लेना है। टैबलेट लेनी है तो 2 टैबलेट आपको त्रिफला की लेनी है और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। और अगर आप लिक्विड लेना चाहते हो तो लिक्विड की डोज मैंने आपको बता ही दी है कि 20 ml सुबह लेना है, 20 ml शाम को लेना है, आधा गिलास पानी मिला करके हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा और उसके बाद ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे आते हैं कि फिर नई वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।